वेलकम टू हेल्दी हो। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक्ने या पिंपल। आई थिंक हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी एज में जूझना पड़ता है। हम कई सारी ट्यूब्स, कई सारी मेडिसिंस, कई सारे ट्रीटमेंट, घरेलू उपचार, नुस्खे सब अप्लाई करते हैं, फिर भी कई बार फेस पे एक्ने रहते हैं या एक्ने कम हो जाते हैं लेकिन मार्क्स नहीं जाते, एंड बार बार कई बार एक्ने री अपियरेंस उनका होता रहता है। एक ये विशियस साइकिल है। प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें इंटरनल रीजंस को कई बार नहीं समझते, या कई बार हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, और हम एक्सटर्नली कोशिश करते हैं कि ये सप्रेस होते रहें या ये कम होते रहें या ये ठीक हो जाएं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि उसके रीजंस क्या हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बड़ा ही सुंदर और साइंटिफिक मेंशन किया गया है। कई तरीके के एक्नेस का जिक्र है। ब्रॉडली 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें हम इनके रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड जैसा कि मैंने बोला, रीज़न को आइडेंटिफाई करना, कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इनको इंटरनली ठीक करना है, एक्सटर्नली तो आप कोई भी ऑइंटमेंट लगाएंगे, पैक लगाएंगे, कुछ दिनों में एक्ने आपका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, झड़ जाएगा, फेस आपका क्लियर हो जाता है कई बार, लेकिन दोबारा उसे हो जाता है। कई बार कंप्लेंट आती है, डॉक्टर साहब सेकेंड या थर्ड टाइम डबल या ट्रिपल फॉर्म में रिकर हुआ और इतना क्रोनिक हो गया कि अब ये नहीं ठीक हो रहे हैं। तो अगर इनिशियल स्टेप पे ही आप अपने रूट कॉज को समझें और उसको एड्रेस करें तो आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी इजीली रिलीफ ले सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला एक कैटेगरी है कि टीनेजर्स में, खासकर फीमेल्स में जब प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट होता है, जब मंथली साइकिल स्टार्ट होती है, एंड मेल्स में भी एक सर्टेन एज ग्रुप है जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। सो एक किड इज़ ग्रोइंग एज ए टीनेजर एंड अल्टीमेटली एज एन एडल्ट, तो एक बॉडी का एक नेचुरल फॉर्म है जिसमें वो कई तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, एंड वहाँ पर एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, बिकॉज देर आर सर्टेन डाइट एंड लाइफ स्टाइल एस्पेक्ट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। अगर हम हारमोन इम्बेलेंस के साथ साथ डाइट और लाइफ स्टाइल को समझें और उनको ठीक करें, सो वहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। एंड हमने देखा कि जब हमने हारमोन टेस्ट कराए या हमने इन्वेस्टिगेशंस कराई तो वहाँ पर हारमोनल इम्बेलेंस मिला, एंड हमने उसको ठीक करा तो एक्ने की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई। सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, चाहे वो टीनेजर्स हैं चाहे वो एडल्ट हैं, एंड इसमें भी ये देखा गया कि जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है या कब्ज़ की प्रॉब्लम है, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन इज़ बेसिकली कि आप डेली लेवल पर अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, मींस वो वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर है, आपके इंटेस्टाइन में है, और वहाँ कई तरीके के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो अल्टीमेटली आपका एक्ने के फॉर्म में फेस पर इरप्ट होते हैं। एक बड़ा साइंटिफिक कोरिलेशन है, एंड आयुर्वेद में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। सो अगर हम कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो एक्ने अपने आप ठीक हो जाते हैं। थर्ड इज एलर्जीज। देर आर सो मैनी काइंड ऑफ एलर्जीज जिसकी वजह से कई बार, इनफैक्ट नॉट इन टीनेज ग्रुप, एडल्ट में भी 20s में, 30s में, 40s में भी एक्ने या पिंपल्स फेस पे या कहीं और बॉडी में भी निकलते हैं। हमें उन एलर्जीज़ को समझना है। एलर्जीज़ का कभी भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। आप कई तरीके के एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। कई बार फूड से एलर्जी होती है, कई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई एस्पेक्ट है, चाहे वो आपके पेट हैं, चाहे वो आपका पोलन है, डस्ट है, किसी भी रीज़न से आपको एलर्जी हो सकती है, एंड उसको अगर आप समझेंगे, उस ट्रिगर को अपनी लाइफ से हटाएंगे, सो आप इस प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें 2-3 एस्पेक्ट्स को और समझना है जब हम एक्ने और पिंपल की बात कर रहे हैं। आप एज मिनिमम एज पॉसिबल केमिकल एक्सपोजर दें अपनी स्किन को। आप जितना मैक्सिमम नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं उतने कॉस्मेटिक्स को यूज़ करें, एज मिनिमम एज पॉसिबल यूज़ करें।
साथ साथ अपने डाइट और लाइफस्टाइल में अगेन बहुत ज़्यादा फाइबर, फ्लूड्स, इन सबको बढ़ाएं। इसके अलावा दो तीन और रीजंस हैं। एक, जैसा हमने डाइजेस्टिव की जब बात करी स्टार्टिंग में, उसी में कई बार अगर लीवर का आपको कोई प्रॉब्लम है तो खासकर जो शोल्डर बैक का रीज़न है, जो शोल्डर है आपका, बैक है, स्कैपुलर रीजन है नेक के पास, वहाँ पूरे एरिया में जो कई तरीके के एक्ने, कई बार फेस पूरा क्लियर है लेकिन उस एरिया में पिंपल्स या एक्ने होते हैं, तो उसमें हमने देखा कई बार लीवर के अगर डिसऑर्डर्स हैं तो उसकी वजह से भी वो होता है। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, हर एज ग्रुप के हिसाब से अपने अपने एक साइकिल्स आते हैं। जैसे कई बार फीमेल्स का देखा गया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उकनो एक्ने निकलते हैं या डिलीवरी के बाद लैक्टेशन के टाइम पर एक्ने निकलते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ वो करेक्ट हो जाता है। या हमने टीनेजर्स की बात करी, लेकिन कई फीमेल्स हैं जो 20s या 30s में भी सफ़र कर रही हैं काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे PCOD। PCOD का एक सिम्टम एक्ने भी है। अगर PCOD की प्रॉब्लम ठीक नहीं करेंगे तो एक्ने कभी भी ठीक नहीं होगा। सो हमें ये समझना है इस पूरे डिस्कशन में कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को पहले रूट कॉज को एनालाइज करें, आयुर्वेद में उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। एंड एक लास्ट कैटेगरी है कि ये सारी एस्पेक्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो आयुर्वेद में जैसा कि बताया प्रकृति, तो अगर आप पित्त प्रकृति प्रधान है, आपका पित्त ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा है तो भी आपको एक्ने होगा, आपके बाकी सारी प्रॉब्लम्स। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ खाएंगे जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि गर्मी करती है शरीर में, आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, अपनी प्रकृति एनालाइज कराएं, प्रकृति के अनुसार डाइट और लाइफस्टाइल लें, सो आपका एक्ने, आपके पिंपल की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी। यहाँ पर कुछ टिप्स दे देते हैं, उसके बाद सेशन कंक्लूड करते हैं। अगर आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक तरफ आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, मेडिकल मैनेजमेंट कराएं, इसके साथ साथ कुछ थेरेपीज भी हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात, फेस वॉश रेगुलर किया करें, मॉर्निंग नहाते टाइम, रात को सोने से पहले एटलीस्ट ये दो टाइम अपने दिमाग में बिठाएं कि आपको फेस, जैसे आप ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, ऐसे अपना फेस भी क्लीन करें, वॉश करें। किसी भी हर्बल आयुर्वेदिक फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं या होम रेडमीडीज़ में जैसे बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, किसी भी चीज़ से जो भी आपको सूट करती है आप फेस वॉश ज़रूर करें। फेस पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल फेस पैक काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, चंदन है, गुलाब जल है, उसमें मिला के आप ले सकते हैं, कई तरीके की हर्ब्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन डाइट में कोशिश करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़वी चीज़ें अगर आप खाएंगे, आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम, जैसा कि करेला है, नीम है, आंवला है, ऐसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपनी डाइट में आप बढ़ाएं, ये ब्लड प्योरीफायर का भी काम करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं और आपको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम से भी कंट्रोल प्रदान करते हैं। इसका आप ध्यान दें, पानी फ्लूड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, आपके टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने बहुत ज़रूरी हैं। एक तरफ हमने बात करी थी कॉन्स्टिपेशन की, दूसरी तरफ आप अपना लिक्विड्स या फ्लूड्स भी लें, सो दैट रेगुलर यूरिनेशन के साथ आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते रहें एंड आप इस एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। सो इन्हीं टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाएं। जैसा कि मैंने बताया, फास्ट फूड कम से कम होना चाहिए, फ्राइड खाना बहुत कम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी मत लें। एंड कई बार देखा गया है कि आजकल एक फैशन है एंड वो सूट नहीं करता कई प्रकृति के लोगों को, तो जैसे कि एलोवेरा है, एप्पल साइडर विनेगर है, ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये कई तरीके की चीज़ें डे टू डे लाइफ में लोग यूज़ कर रहे हैं बिना मेडिकल सुपरविज़न के, कहीं से सुना, कहीं से देखा, ऑनलाइन डिजिटल किसी फ्रेंड ने यूज़ करा तो हमने यूज़ कर लिया। नो, ये जितने भी घरेलू नुस्खे हैं या जितनी भी चीज़ें आप एक्सटर्नली या इंटरनली अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इनको भी ज़रूर जिक्र करें एंड किसी मेडिकल क्वालिफाइड पर्सन से समझें। अगर आप आयुर्वेदा फॉलो करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से समझें कि क्या वाकई आपकी बॉडी को सूट करेंगी या नहीं। एंड अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक तरफ एलोवेरा का कई बेनिफिट्स हैं बट हमने कई केसेस में देखा एलोवेरा की वजह से भी एक्ने या पिंपल्स हो रहे थे और उसको हमने बंद करवाया एंड इमीडिएटली पिंपल्स ठीक हो गए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है एंड उसको जान के, उसको समझ के अगर आप फॉलो करेंगे लाइफ में, तो एम यही है कि यू कैन लिव एन एक्ने एंड पिंपल फ्री लाइफ एंड यूर फेस विल ग्लो शाइन एंड यू कैन With full confidence, keep yourself happy. Thank you.